अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं मौजूद हूँ शेखुपुरा में मैजिक हैंड कैफे के बाहर। भाई ने बड़ा ही प्यारा सेटअप बाहर से बनाया हुआ है, तो अंदर चल के देखते हैं भाई क्या बना रहे हैं और लोगों को क्या खिला रहे हैं। तो ये भाई हैं कैफे के ओनर, तो आइए इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि भाई हमें क्या खिला रहे हैं, क्या बनाते हैं और कौन इधर का शेफ है। अस्सलाम जी। वालेकुम सलाम जी भाई। तो यहाँ पे आप क्या क्या बनाते हैं? सर हमने अभी रिसेंटली कैफे जो अपना शिफ्ट किया है, पहले हमारा एक छोटा सा सेटअप था जहाँ पर हम सिर्फ जूसेस वगैरह करते थे, लेकिन अभी हमारे माइंड थोड़ा सा चेंज करके हमने कैफे प्रॉपर किया जिसमें सीटिंग भी ऊपर नीचे और ऊपर रूफटॉप भी तैयार किया हुआ है। इसमें हमारी जो सबसे ज़्यादा स्पेशल ऑफर जो स्पेशल चीज़ है वो है मिंट मार्गरीटा। तो मिंट मार्गरीटा हमारे पास लोग बड़ी बड़ी दूर से भी पीने के लिए आते हैं। तो चले हम आपको अभी अपनी सबसे स्पेशल जो चीज़ है वो आपको दिखाते हैं। अब मिलते हैं दूसरे शेफ से जो यहाँ पे चाय बनाते हैं, तो इनसे गुफ्तगू करते हैं कि किस तरह ये चाय बनाते हैं और कौन कौन सी चाय स्पेशल है। तो भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सलीम निजामी। तो आप इधर से क्या बनाते हैं? इधर जी कॉफ़ी भी है हमारे पास, चाय भी है हर किस्म की, चॉकलेट टी है, तंदूरी चाय है, अदरक वाली चाय है, कॉफ़ी शॉप भी, कैपेचिनो, लाटे, हर मतलब हर चीज़ हमारे पास मौजूद है। तो सबसे स्पेशल क्या है आपका? स्पेशल चाय जी हमारे पास गुड़ वाली है, मतलब जो कस्टमर डिमांड करते हैं उसका कि जी गुड़ वाली चाय आपकी बड़ी अच्छी है, तारीफ करके जाते हैं, दुआएं दे के जाते हैं। उसी बात तंदूरी चाय हमारे पास, फीडबैक आपकी तंदूरी वाली चाय का, तंदूरी चाय का अच्छा फीडबैक है और गुड़ वाली चाय मोहब्बत डालते हैं सबसे पहले, तो जिसकी वजह से मजे की बात डालते हैं। मजे की स्पेशल चीज क्या है? स्पेशल चीज जी अल्लाह पाक की रहमत है, यही हमारे लिए स्पेशल है। बाकी चीजें तो वही होती है जो सारे लोग डालते हैं, लेकिन जो मियार होता है जो आपका, वो एक अल्लाह पाक की तरफ से खास रहमत होती है, अल्हम्दुलिल्लाह हम पे वही है। तो कितनी देर से आप ये बना रहे हैं? वैसे तो हमारा काम ये तकरीबन 3 साल से वो सामने चौक में था, अभी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने दुकान दी है। ये तकरीबन 1.5 माह हो गया हमें, हम इधर शिफ्ट हुए, तो अल्हम्दुलिल्लाह देख रहे हैं आप कस्टमर। तो क्या फीडबैक है 3 साल से आपका कस्टमर्स का? 3 साल से जी अल्हम्दुलिल्लाह इतना को फीडबैक है कि हम बाहर अड्डे पे थे, अब अल्लाह पाक ने दुकान दे दी है। आप शेखुपुरा के रहायशी हैं, आपको पता है कि इस जगह पे दुकान लेना कोई आसान काम नहीं है। इतना ही फीडबैक हमारे लिए काफ़ी है कि हमारे पास ये एक अच्छी दुकान है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी अल्लाह पाक का करम है, बहुत थैंक यू। कैफे की हमने स्पेशल चीज़ें ऑर्डर की हैं, ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। हाईली रिकमेंडेड है, बहुत मज़े का है, प्राइस भी काफ़ी अच्छी लग रही है। अगर आप SKP के हो या SKP आते हो शेखुपुरा, तो ट्राई ज़रूर करना, बस मैजिक हैंड जिना पार्क में कैफे इनका, आप ज़रूर आए। खाना छाना खा लिया है, तो उसके बाद भाई को हमने बुलाया है इसलिए कि मेरे माइंड में एक बात बड़ी देर से घूम रही थी, भाई से एक सवाल करना था। जी जी। ये आपने नाम रखा है मैजिक हैंड कैफे, तो ये क्या सोच के रखा आपने? एक्चुअली ये हमला भाई बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने किया है। ये मुझे ना मैजिक हैंड इसलिए नाम बहुत अच्छा लगता है कि जब मेरा कैफे नहीं था तो घर में अक्सर कोई नहीं होता था तो मैं चाय बना लेता था। अच्छा। तो मुझे अगर कोई चाय पीता था तो वो कहता था कि यार तुम्हारे हाथ में जादू है। अच्छा। वो तो मुझे नजर आ गया, बड़ा मजे का था। हाँ जी, बस इसीलिए जब मैंने अपना सेटअप शुरू किया ना तो मेरे माइंड में एक ही नाम घूम रहा था कि मैं अपने सेटअप का नाम ना मैजिक हैंड रखूंगा। मतलब आपने यूटिलाइज किया? यूटिलाइज किया बिल्कुल। और ये बाकी ऐसी चीज है कि जब मैं कोई चीज बना के या मेरा भाई
हम जब अपने कैफे में कोई चीज रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो लोग हमें कहते हैं कि यार वाकई आपके हाथ में जादू है। तो जैसे कि आपने मुझे अभी नीचे से बुलाया, बेल लेके भाई ऊपर आए, मेरे माइंड में क्वेश्चन है जो आपसे लास्ट में पूछना है। तो मेरे माइंड में यही था कि यार इनको हमारा टेस्ट बहुत अच्छा लगा है, तो इसीलिए ये मुझसे लाजमी तौर पर इसके बारे में पूछ लेंगे। तो ये मैं सोचता हूँ ऊपर आ रहा था, तो बाकी जब मैंने क्वेश्चन सुना तो मेरे चेहरे पे आपने स्माइल देखी होगी, मैं पूरी समझ गया था कि यार ये बाकी मेरे माइंड के मुताबिक क्वेश्चन के हैं। तो भाई ये अल्लाह पाक ने ना हमें शायद एक अपनी रहमत से नवाजा है, हर बंदे के हाथ में टेस्ट नहीं होता। हम कुछ भी बनाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह से बड़ा डर के कह रहे हैं कि बहुत अच्छा बनाते हैं लोग, उस पर बहुत अच्छे कमेंट्स करते हैं और कस्टमर फीडबैक होगा। हमें कहते हैं कि आपके हाथ में जादू, यहाँ तक कि हमें ये भी कहा जाता है कि तेरे हाथ बटन वाले हो गए। चले बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया, मजा आया खाना खाने का। आपके साथ भी व्लॉग बनाने के लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं, थैंक यू वेरी मच। आप हमारी एडवर्टाइजिंग के लिए हमारे पास आए हैं, हम आपका और आपके चैनल का लाजमी तौर पर पूरा सपोर्ट करेंगे। और मैं अपने जितने भी कस्टमर्स हैं उन सब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे भाई का जो चैनल है उसको लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।